हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू फूड ऑन मूड किचन। फ्रेंड्स, जैसा कि आप जानते हैं कि जन्माष्टमी आने वाली है, तो कान्हा जी का भोग घर घर में तैयार हो रहे हैं। तो आज मैं आपके लिए कान्हा जी के भोग के लिए धनिये की पंजीरी की रेसिपी लेकर के आई हूँ। तो आइए फटाफट से जानते हैं इस रेसिपी को, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और मेरे सभी व्यूअर्स को हैप्पी जन्माष्टमी। फ्रेंड्स, इस रेसिपी को बनाने के लिए हमने यहाँ पर एक कढ़ाई में 2 चम्मच घी ले लिया है, देसी घी है ये। तो घी को मेल्ट होने देंगे। घी मेल्ट हो गया है फ्रेंड्स, तो यहाँ मैंने ना 1 कटोरी साबित धनिया ले लिया है, और इसको अब हमें ना धीमी गैस पर फ्राई करेंगे, जिससे इसका मॉइस्चर निकल जाएगा और एक हमें फाइन पाउडर मिलेगा। तो इसको हम रोस्ट करने के बाद इसका हम फाइन पाउडर तैयार करेंगे। तो फ्रेंड्स, धनिया है ना हमारा रोस्ट हो गया है, कढ़ाई गर्म है इसलिए मैं रेगुलर इसको चला रही हूँ। तो बहुत अच्छी खुशबू आनी चाहिए धनिया की भुनने की, और हल्का सा कलर चेंज हो जाएगा फ्रेंड्स। ज़्यादा नहीं भुनना है, नहीं तो हमारी पंजीरी में है ना मतलब जैसे धनिया की जलने की स्मेल आ जाए, ऐसा नहीं होना चाहिए। अब मैं धनिया को एक बर्तन में निकाल लेती हूँ, और मैंने वही कढ़ाई ले ली है फ्रेंड्स, और उसमें 1 चम्मच मैंने देसी घी डाल दिया है। फ्रेंड्स, आपसे एक रिक्वेस्ट है, यदि आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, या आप मेरे चैनल पर नए हैं, तो तुरंत से सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ में बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिएगा, जिससे मेरी नई रेसिपी का नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल सके। तो फ्रेंड्स, मैंने यहाँ पर कुछ ड्राई फ्रूट्स ले लिए हैं, बादाम, किशमिश, काजू, मखाने। और बादाम और काजू को मैंने है ना बारीक कट कर लिया है स्लाइस में, तो इनको भी हम फ्राई करेंगे। हल्का सा करना है, बिल्कुल हल्का सा चेंज कलर हो जाएगा तब तक करेंगे। तो ये ड्राई फ्रूट्स है ना फ्रेंड्स, बहुत जल्दी फ्राई हो जाते हैं, तो बिल्कुल धीमी ही गैस पर करेंगे हम, और इसको हम निकाल लेते हैं एक बर्तन में। फ्रेंड्स, मैंने जन्माष्टमी के लिए पाक की भी वीडियो आपके साथ शेयर की है, यदि आप पाक की वीडियो जानना चाहते हैं ना, तो आप मेरे चैनल पर जा कर के देख सकते हैं। तो धनिया को मैंने मिक्सी जार में डाल दिया है, और अब मैं इसका फाइन पाउडर बना रही हूँ। ये ठंडा भी हो गया है, तो गर्म में ना पीसे, ठंडा होने पर ही इसका फाइन पाउडर बनाए। तो फ्रेंड्स, ये देखिए फाइन पाउडर रेडी है धनिया का। ये देखिए बहुत ही अच्छा कलर आया है हमारे धनिया का, ये देखिए बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही है। फ्रेंड्स, धनिया की पंजीरी हम इसलिए बनाते हैं जन्माष्टमी पर, क्योंकि हम मैंने व्रत में अन्न नहीं खा सकते हैं, तो इसलिए हम है ना धनिया की पंजीरी बनाते हैं। तो और मैंने ये चीनी पीस ली है, शुगर पाउडर बना लिया है, तो इसमें हम करीब 5, तो ये आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा कर सकते हैं। और फ्रेंड्स, आप चीनी का इस्तेमाल नहीं करना चाहते हैं तो आप बूरा डालिएगा, बूरे का बहुत अच्छा टेस्ट आता है। मेरे पास अभी नहीं था इसलिए मैंने यहाँ चीनी का पाउडर डाला है, तो आप अपने ये मिठास के टेस्ट के अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ है ना 5 चम्मच डाली है, मिक्स करेंगे फ्रेंड्स। फ्रेंड्स, आपको मेरी वीडियो कैसी लगती है कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा, और आप जन्माष्टमी पर क्या क्या चीज़ें बनाते हैं ये भी ज़रूर बताइएगा। तो जो मैंने ड्राई फ्रूट्स है ना फ्राई किए थे ना, वो मैं डाल देती हूँ इसमें और अच्छे से मिक्स करूँगी। फ्रेंड्स, वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। आप मुझे फेसबुक पर और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो फ्रेंड्स, हमारी पंजीरी अच्छे से मिक्स हो गई है और रेडी भी हो गई है, ये देखिए। तो इसको अब है ना आइए सर्व करते हैं। तो इसको मैं ना एक प्लेट में ट्रांसफ़र कर लेती हूँ, और ये लीजिए फ्रेंड्स, मैंने यहाँ है ना प्लेट में ट्रांसफ़र कर दिया है पंजीरी को, और हमारे कान्हा जी की पंजीरी रेडी है भोग के लिए। तो फ्रेंड्स, आपको ये रेसिपी कैसी लगी कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा, और आप पंजीरी कैसे बनाते हैं ये भी बताइएगा। तो मैंने यहाँ पर पंजीरी को है ना चिरौंजी से और मखाने से गार्निश कर दिया है, और ये लीजिए फ्रेंड्स, हमारी पंजीरी भी रेडी है जन्माष्टमी के लिए। और ये लीजिए फ्रेंड्स, हमारे कान्हा जी का भोग रेडी है। तो फ्रेंड्स, आप एक बार मेरे तरीके से ज़रूर ट्राई कीजिएगा, और जन्माष्टमी को इंजॉय कीजिएगा। तो आगे ऐसी ही सिंपल या डिलीशियस रेसिपी के साथ फिर मिलेंगे। बाय बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग।